अग्निपथ योजना को लेकर बनारस में हंगामे के बाद पुलिस कमिश्नर का बयान। आर्मी रिक्रूटमेंट को लेकर युवाओं में फैला भ्रम, 97% रिक्रूटमेंट नियम के तहत होगा। जानकारी के अभाव में वाराणसी जोन के अभ्यर्थी यहां एकत्रित होकर हंगामा किए। हंगामा कर रहे कुछ उपद्रवियों को चिन्हित किया गया है, पुलिस उनके खिलाफ एक्शन लेगी। वाराणसी में कई क्षेत्रों में सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने अग्निपथ योजना के खिलाफ किया उग्र प्रदर्शन। मुंह में गमछा बांधे अभ्यर्थियों ने मचाया उत्पात, आने जाने वाली गाड़ियों को रोका, किया तोड़फोड़। आज शहर में कई जगहों पर बवाल हुआ, क्या था और किस तरीके की फोर्स लगाई गई है आज? देखिए, ऐसा है कि सरकार के आर्मी की रिक्रूटमेंट की नीति को लेके कुछ भ्रम जो है युवाओं में फैला हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहूँगा कि करीब 97% जो रिक्रूटमेंट होना है आर्मी का, जैसा कि मुझे ब्रीफ दिया गया है, वो रेगुलर तरीके से ही होगा। मात्र 3% रिक्रूटमेंट एक लिमिटेड टाइम के लिए एक नई स्कीम के तहत होना है, लेकिन संभवतः हमारे युवाओं में इसका अभी क्लैरिटी का अभाव है, जिसकी वजह से वाराणसी जनपद के तो कम लेकिन वाराणसी जोन के जनपदों के काफ़ी लोगों के द्वारा यहां पर आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस में एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन इत्यादि करने का प्लान था। तो कल रात से ही व्यापक तौर पर हम लोगों ने होमवर्क और एक्सरसाइज किया, जिसकी वजह से काफ़ी कम संख्या में लोग यहाँ पहुँचे। उनको हम लोगों ने शांतिपूर्वक तरीके से समझाने का प्रयास किया। कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत उपद्रव करने का प्रयास जो किया है उसको तत्काल हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर नियंत्रित किया। कुछ लोगों को हम लोगों ने चिन्हित भी किया है और हम लोग जो भी बवाल करने वाले लोग हैं उनके साथ सख्ती से निपटेंगे। धन्यवाद।